हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में स्लाइस टूल के बारे में जानेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेयर पैलेट में एक न्यू लेयर इंसर्ट करेंगे। न्यू लेयर इंसर्ट करने के लिए हम लेयर पैलेट के नीचे आएंगे। यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक ब्लैंक लेयर लेयर 1 के नेम से लेयर पैलेट में इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हैं तो आप लेयर 1 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लेयर 1 के लिए रीनेम कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर दे देते हैं स्लाइस टूल, देन बाहर की तरफ कहीं भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टूल बॉक्स में से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे या कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे। फिर आप ऑप्शंस बार में जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं फेदर है यहाँ पर 0 पिक्सल्स। हम यहाँ से फेदर कर देते हैं 5 पिक्सल्स, देन एंटर। अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं फेदर का पिक्सल तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पर सिलेक्शन को ड्रॉ करते हैं। सिलेक्शन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर विंडो मेन्यू में जाएंगे, देन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टाइल्स। हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में स्टाइल्स पैनल हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। आप जो भी स्टाइल यहाँ से फिल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, देन कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे तो वो स्टाइल हमारी सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं तो वो स्टाइल हमारी सिलेक्शन में फिल होता जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको ऑल्ट के साथ बैकस्पेस प्रेस करके स्टाइल को फिल करना है और उसके बाद आप किसी भी स्टाइल पर क्लिक करके अपने सिलेक्शन में फिल कर सकते हैं। हम यहाँ से एक बार स्टाइल्स पैनल को बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा, हम इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपको और भी स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट करने हैं आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डीपी स्टाइल्स और इसे अपेंड कर देते हैं तो डीपी स्टाइल्स जो हैं वो हमारी स्टाइल्स पैलेट में इंसर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम फिर से इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं। सपोज हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डॉटेड स्ट्रोक्स, देन अपेंड, तो आप देखेंगे स्टाइल्स पैलेट में वो डॉटेड स्ट्रोक्स ऐड हो गए हैं। तो जो भी स्ट्रोक आपको ठीक लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे। हम दोबारा से यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं और यहां से सेलेक्ट करते हैं वेब स्टाइल्स, देन अपेंड। यहां से हम कोई स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम यहां से ब्लू वाला स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बटन जैसा लुक हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर टूल बॉक्स में जाएंगे, देन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। आप टी प्रेस करके भी हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने इस वाले बटन के अंदर क्लिक करते हैं। सपोज हम यहाँ पर टाइप करते हैं अबाउट अस, देन इसको सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस बार पर जाएंगे तो हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। हम यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए। हम एक बार यहाँ पर किसी दूसरे टूल पर क्लिक करते हैं, देन कीबोर्ड से हम यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट के चारों तरफ ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स डिस्प्ले हो गए हैं। हम इसे जो है ड्रैग करके अपने बटन के अंदर सेट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, देन जो टेक्स्ट अभी हमने अपने बटन में लिखा है उसे हम सेलेक्ट करते हैं, मीन्स अबाउट अस को। ऑप्शंस बार पर जाएंगे, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें डिस्प्ले हो रहा है शार्प। हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से सेलेक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग, देन किसी दूसरे टूल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर लेयर पैलेट पर ध्यान देते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हमने टेक्स्ट टूल से अपने डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट टाइप किया तो लेयर पैलेट में टेक्स्ट की लेयर जो है ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गई, मीन्स ये जो है डिफॉल्ट टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर देता है। स्लाइस टूल जो हमने लेयर पहले क्रिएट की थी वो हमारे बटन के लिए है और अबाउट अस वाली लेयर जो फोटोशॉप ने डिफॉल्ट क्रिएट की है वो ये वाली लेयर है अबाउट अस के नेम से।
उसके बाद अब हम यहाँ पर टूल बॉक्स में जाते हैं, देन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं स्लाइस टूल। स्लाइस टूल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड से सी भी प्रेस कर सकते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जिस एरिया पर भी स्लाइस क्रिएट करना चाहते हैं, स्लाइस का बेसिकली यूज लिंकिंग करने के लिए होता है, तो जहां पर भी आप लिंकिंग क्रिएट करना चाहते हैं वहां पर अपने स्लाइस को ड्रॉ करेंगे। हम यहां से ड्रैग करते हैं स्लाइस टूल को, देन अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे इस बटन के चारों तरफ ब्लू कलर में यह स्लाइस क्रिएट हो गया है। फिर आप यहाँ पर अपने ऑप्शंस बार पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर अभी हमें डिस्प्ले हो रहा है नॉर्मल, हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आता है फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो का, हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें इसकी विड्थ डिस्प्ले हो रही है 1 और हाइट हमें डिस्प्ले हो रही है 1। आप इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, मीन्स जब भी आप स्लाइस को ड्रॉ करेंगे तो जो भी आपने विड्थ और हाइट यहाँ पर स्पेसिफाई की होगी, ये उसी एस्पेक्ट रेशियो में, मीन्स उसी फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो में हमारे स्लाइस को ड्रॉ करेगा। सपोज हम यहाँ पर इसकी हाइट को कर देते हैं 3, देन इसकी विड्थ को भी यहाँ पर हम कर देते हैं 3। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पर कहीं पर भी स्लाइस को ड्रॉ करते हैं, आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने जो है 3x3 की रेशियो में यहाँ पर स्लाइस को ड्रॉ किया है। हम यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं अंडू करने के लिए। हम फिर से यहाँ पर स्टाइल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर फिक्स साइज का, हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं फिक्स साइज में इसकी विड्थ और हाइट है 64 64 पिक्सल्स, मीन्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो ये हमेशा इसी फिक्स साइज में, मीन्स 64 64 पिक्सल्स की रेशियो में हमारे स्लाइस को ड्रॉ करेगा, चाहे आप कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक करें। हम ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं अंडू करने के लिए। हम फिर से यहाँ पर स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं नॉर्मल। स्लाइस के बारे में हम और डिटेल में अपने नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में जानेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।